नमस्ते एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे आप अपने वार्डरोब की एक साइड एरिया को ड्रेसिंग एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आज के एपिसोड में आप देखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग एरिया ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर जो फ्री स्पेस मिल रहा है उसको भी थोड़ा फंक्शनल बनाया जाए, तो इसके लिए आई हैव एन आइडिया हियर। मेरे पास ना ये शू रैक है, इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ, विच इज एग्जैक्टली एंड परफेक्टली फिटिंग इन दिस स्पेस। इस पे मैं वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ जो मुझे ग्रूमिंग के वक्त आंखों के सामने हैंडी चाहिए। इसको थोड़ा एलिगेंट और ड्रेसिंग टेबल लुक देने के लिए आई एम कवरिंग इट्स टॉप एंड साइड पोर्शन विद दिस रग इन दिस वे। अब मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है एंड जस्ट सी हाउ वेल इट इज ब्लेंडिंग एंड कॉम्प्लीमेंटिंग विद द वार्डरोब। ऐसा लग रहा है कि ये वार्डरोब का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। नाउ लेट्स ऑर्गेनाइज द आइटम्स ऑन इट। यहाँ पर मैं ये दो मल्टीपर्पज स्टैंड्स रख रही हूँ जिसमें मैं हेयर कॉमिंग ब्रशेस एंड कॉम्ब्स रखने जा रही हूँ। In this, I am keeping these two combing brushes, and in this, I am keeping these two combs. मेरे पास इस टाइप की बॉक्स है जो मैं यूज करने जा रही हूँ एज ए स्टैंड टू कीप मॉइस्चराइजर बॉटल्स। इस तरह से वन बाय वन मैं इन बॉटल्स को इसके ऊपर रख रही हूँ इन वन लाइन। And in front of this, ye night cream and face pack tubes. In this space, I am keeping this my favorite box, jisme different type of earrings ko maine group karke systematically organize kiya hai. Let's have a look at it. There are 12 sections in this box और हर एक section में मैंने similar type of earrings को group करके रखा है like this. These are long hanging ones. These are rustic wooden hangings. ये golden earrings है. These are button and dot ones. These are little big oxidized ones and these are small oxidized ones. ये बड़े वाले round earrings है और ये छोटे वाले round earrings है. These are traditional golden big ones. These are silver ones. ये कोन शेप्ड इयररिंग्स है एंड दिस आर इंडो वेस्टर्न वंस। सो दिस टाइप ऑफ बॉक्स इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ इयररिंग्स, एंड सिंस दे आर क्लियरली विजिबल फ्रॉम दिस बॉक्स व्हाइल ड्रेसिंग, यू कैन डिसाइड विच वन यू वांट एंड इजिली पिक फ्रॉम दिस बॉक्स, एंड सेम वे इजिली यू कैन कीप इट इन द सेम प्लेस। यहाँ पर मैं ये ब्यूटिफुल ज्वेलरी बॉक्स रख रही हूँ। इसमें दो कंपार्टमेंट्स है, लेकिन इसमें मैं कोई ज्वेलरी नहीं रख रही हूं, बट इंस्टेड आई एम गोइंग टू कीप माई वॉचेस इन इट।
तरह से इनको बॉक्स में रखने से इनके ऊपर कोई डर्ट एक्यूमुलेट नहीं होगा और ये बहुत ही सिस्टमैटिक रहेंगे अपनी जगह पर एक साथ एक ही घर में। अगर आपके पास इस टाइप के बॉक्स नहीं है तो आप इस टाइप की ट्रे भी यूज कर सकते हैं अपने वॉचेस रखने के लिए। इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से आप इनको इजीली पिक कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्टिकुलर एरिया और वापस वहीं पर रख सकते हैं। एंड सी, दे आर लुकिंग सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। Now I will open the door of the shoe rack and you can just have a look here. यहाँ पर मैं सिर्फ वो shoes, मोजड़ीज और sandals रखती हूँ जो मैं सिर्फ formal या फिर special occasions and functions पे पहनती हूँ। Finally, I will put this small carpet here. And this totally completes the look of this area. In the next episode, we will see the remaining part of dressing area organization. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, then definitely give big thumbs up to this video and definitely like, share and subscribe to this channel. So, bye-bye, take care and stay organized, stay energized.